हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है गैसियस स्टेट का प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेई क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज डैश प्रोपोर्शनल टू बोथ डैश एंड स्क्वायर रूट ऑफ मोलिकुलर मास। तो देखिए, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज, या तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। उसके बाद बोथ, यहाँ क्या होगा और यहाँ क्या होगा। तो देखिए, आपको अगर पता हो तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ मोलिकुलर मास के। मतलब यहाँ पे तो इनवर्सली फील होगा, ये तो फिक्स हो गया, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोथ स्क्वायर रूट ऑफ मोलिकुलर मास एंड डैश। अब यहाँ डैश पे क्या होगा, तो डैश पे जो है टाइम होगा, टाइम और स्क्वायर रूट ऑफ मोलिकुलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें कुछ गैसेस फिल है। अब जैसे जैसे गैस डिफ्यूज होते जाएगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होते जाएगा टाइम के साथ। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि गैस हमेशा हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करना चाहता है। अगर ये जो गैस है इसका जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही तेजी से ये लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा, और टाइम के साथ जैसे जैसे डिफ्यूजन होते जाएगा गैस का अमाउंट कम हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम होगा, मतलब प्रेशर भी कम होते जाएगा। तो ये जो हायर प्रेशर है और ये लोअर प्रेशर है, इन दोनों में डिफरेंस जो है कम होते जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वाला गैस, इसका प्रेशर और एटमोस्फेयर का प्रेशर बराबर होगा, तो उस केस में इस कंटेनर से गैस फ्लो करना ही बंद कर देगा, क्योंकि दोनों तरफ प्रेशर बराबर है। तो पूरा का पूरा कंटेनर खाली नहीं होता है, ये तब तक फ्लो करता है जब तक कि एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर नहीं हो जाता, अगर एटमोस्फेयर में रखा हुआ है तब। मतलब टाइम के साथ रेट ऑफ डिफ्यूजन घटते 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 जीरो हो गया, एक टाइम पे गैस डिफ्यूज ही नहीं कर रहा है कंटेनर से, जब ये अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर सेम हो गया उस टाइम। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम भी होता है। तो वही है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बोथ टाइम एंड स्क्वायर रूट ऑफ मोलिकुलर मास। इसके बाद सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स है, द वैल्यू ऑफ PV4 5.6 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस इज डैश RT एट NTP। तो NTP पे अगर 5.6 लीटर आइडियल गैस है तो PV का क्या वैल्यू होगा, PV इक्वल टू डैश RT, मतलब PV इक्वल टू NRT में N कितना है ये आपको बताना, मतलब कितना मोल गैस का वॉल्यूम 5.6 लीटर होगा एट NTP। तो आपको पता होगा कि STP या फिर NTP पे एक मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। मतलब अगर 22.4 लीटर वॉल्यूम है गैस का तो आपके पास 1 मोल है। तो आप यूनिटरी मेथड से बता सकते हैं कि अगर वॉल्यूम 5.6 लीटर है तो कितना मोल गैस है। तो अगर 1 लीटर गैसियस वॉल्यूम है तो नंबर ऑफ मोल हो जाएगा 1/22.4। अब अगर 5.6 लीटर वॉल्यूम है तो नंबर ऑफ मोल क्या होगा, नंबर ऑफ मोल होगा 5.6 के करस्पॉन्डिंग 1/22.4 × 5.6, ये 1/4 मोल आता है, मतलब 0.25। तो नंबर ऑफ मोल पता चल गया 0.25। तो PV का वैल्यू क्या होगा, PV इक्वल टू NRT, आइडियल गैस इक्वेशन जहां पे N आपको पता है, तो ये हो जाएगा 0.25 RT। यही तो बताना था कि कितना टाइम्स RT होगा, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 0.25। या फिर आप STP या NTP का कंडीशन लगा दीजिए, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर या फिर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये जो है STP पे या NTP पे प्रेशर इक्वल टू 1 atm और टेम्परेचर इक्वल टू 273 केल्विन होता है। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दीजिए, PV इक्वल टू NRT, प्रेशर 1 atm, वॉल्यूम दिया हुआ है इसका 5.6, इक्वल टू N × R, गैस कॉन्स्टेंट लगभग 1/12 होता है, × 273, टेम्परेचर 273 केल्विन होता है। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल आ जाता है लगभग 0.25। ये R जो है
लगभग 1.12 होता है, इसीलिए नंबर ऑफ मोल लगभग आएगा 0.25। एग्जैक्ट जो वैल्यू होता है 0.083, ये रखिएगा 0.083, तब जाके 0.25 आएगा। तो नंबर ऑफ मोल आ गया, वही तो फाइंड आउट करना था। प्रेशर और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, इसीलिए तो बता देते हैं कि एसटीपी या एनटीपी पे नंबर, सॉरी वॉल्यूम कितना होगा। जब प्रेशर आप 1 रखिएगा, मान लीजिए भी वॉल्यूम है, तो एन इंटू 1/12 इंटू टेम्परेचर 273, तो ये जो है 22.4 N आता है। वॉल्यूम इक्वल टू 22.4 इंटू N, मतलब जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल होगा उतना ही ज्यादा वॉल्यूम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर नंबर ऑफ मोल 1 है तो वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा, अगर नंबर ऑफ मोल 2 है तो एसटीपी पे वॉल्यूम 22.4 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब 44.8 लीटर होगा। अगर नंबर ऑफ मोल 1/4 है तो वॉल्यूम भी 1/4 टाइम हो जाएगा। तो सिंपल यूनिटरी मेथड कि एसटीपी पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, या फिर आप बोल सकते हैं कि अगर 22.4 लीटर गैस है, मतलब आपके पास 1 मोल गैस है, तो अगर 1 लीटर है तो 1/22.4 लीटर है। सिमिलरली 5.6 लीटर है तो आपके पास 1/22.4 × 5.6 इतना मोल गैस का पड़ियंट है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है, 8 ग्राम ईच ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एट 27 डिग्री सेल्सियस विल हैव ए टोटल काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो। तो आपके पास 8 ग्राम O2 और 8 ग्राम H2 है, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब दोनों का टेम्परेचर 300 केल्विन ही है। तो आपको बताना है कि दोनों गैसेस का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 nRT। अब दोनों का रेशियो ले लीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ O2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ H2, ये होगा 3/2 नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 इंटू R इंटू टेम्परेचर अपॉन 3/2 नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 इंटू R इंटू टेम्परेचर। और टेम्परेचर दोनों का 27 डिग्री सेल्सियस ही है, मतलब 300 केल्विन। तो टेम्परेचर आर आर 3/2 3/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ H2। और 8 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब कितना नंबर ऑफ मोल, तो वेट डिवाइडेड बाय जी एम। ऑक्सीजन गैस का ग्राम मोलिकुलर मास होता है 32 ग्राम, और वेट अपॉन जी एम। नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेट ऑफ 1 मोल, तो टोटल नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। तो वेट 8 है और 1 मोल का वेट है 2, तो ये हो जाएगा 8/32/8/2। इसको अगर आप देखिएगा तो 1/16 आ जाएगा, यहाँ से ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से 4 टाइम्स, तो ये 4 और 4 मल्टीप्लाई हो जाता है, ये 2 बढ़ जाता है, और ये एक्चुअली में ये होगा 8 × 2/8 × 32। ये वाला 8 जो है 32 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये तो सिंपल मैथ्स है। तो 1/16, तो 1:16 के रेशियो में काइनेटिक एनर्जी होगा। अगर आप इक्वल मास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का लीजिएगा सेम टेम्परेचर पे, यहाँ पे 8 है, कुछ भी अगर इक्वल मास लीजिएगा टेम्परेचर सेम होना चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 1:16 ही हो जाएगा, क्योंकि हमेशा तो ये 8/8 हमेशा कैंसिल आउट होगा। कहने का मतलब वेट अपॉन वेट, वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन वेट ऑफ हाइड्रोजन दोनों सेम रहेगा, तो हमेशा 1:16 के रेशियो में काइनेटिक एनर्जी रहेगा। इसके बाद जो है सेक्शन बी, ये ट्रू फॉल्स है, आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मोलिक्यूल इज 0 एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए, ये देखने में तो ट्रू लग रहा है लेकिन ये फॉल्स है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 nRT। अब आप बोलिएगा कि टेम्परेचर यहाँ 0, जैसे ही रखेंगे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है एसआई यूनिट में होता है, केल्विन में होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया टेम्परेचर इक्वल टू 273 केल्विन। तो 273 केल्विन पे काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगा, टेम्परेचर का वैल्यू 273 रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, 0 देखने के कारण आप जल्दी जल्दी में इसको ट्रू नहीं मान दीजिएगा,
ये गलत है, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 273 केल्विन है, और फॉर्मूला में टेम्परेचर केल्विन में ही रखते हैं, SI यूनिट में। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ए गैस इन ए क्लोज्ड कंटेनर विल एग्जर्ट मच हायर प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी एट द बॉटम देन एट द टॉप। तो ये बोल रहा है कि जैसे एक कंटेनर में गैस है, ठीक है, बोल रहा है कि ग्रेविटी के कारण बॉटम में जो गैस है ये पूरे कंटेनर में गैस फैला हुआ रहता है, तो ग्रेविटी के कारण बॉटम पे ज्यादा प्रेशर होगा एज कंपेयर टू टॉप, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोग जब भी किसी कंटेनर में गैस का प्रेशर निकाले हैं तो बस प्रेशर ऑफ द गैस निकाले हैं, मतलब पूरे कंटेनर में जो गैस है उसका प्रेशर सेम ही होगा एक गैस का। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी को जो है नेगलेक्ट किया जाता है, इसका कोई ज्यादा इफेक्ट होता नहीं है। अगर ग्रेविटी का इफेक्ट होता तो हर एक पॉइंट पे हमको प्रेशर निकालना पड़ता। अभी तक जितना क्वेश्चन देखे हैं उसमें बस बोलते हैं कि एक कंटेनर में गैस है, इस कंटेनर का वॉल्यूम कुछ है, टेम्परेचर कुछ है और नंबर ऑफ मोल कुछ है, तो प्रेशर क्या होगा गैस का। अगर अलग अलग पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर रहता तो हम बोलते ना कि बॉटम में क्या प्रेशर होगा, मिडिल में क्या प्रेशर होगा, ऊपर में सबसे टॉप पे क्या प्रेशर होगा, लेकिन ये सब नहीं बोलते क्योंकि कंटेनर के अंदर जो गैसेस है वो किसी भी पॉइंट पे देख लीजिए उस गैस के कारण प्रेशर सेम ही होगा पूरे कंटेनर में। ऐसा नहीं कि टॉप पे कम होगा और बॉटम पे ज्यादा होगा, तो हर जगह सेम प्रेशर रहता है, तो ये पॉइंट भी गलत है, फॉल्स है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इन द वैंडरवाल इक्वेशन पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी, द कॉन्स्टेंट ए रिफ्लेक्ट द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये तो साफ साफ गलत लिखा हुआ है, वैंडरवाल कांस्टेंट ए का तो वॉल्यूम से कुछ लेना देना ही नहीं है, इसका एक्चुअली में प्रेशर से रिलेशन है। एक्चुअली में ये प्रेशर करेक्शन टर्म में वैंडरवाल कांस्टेंट ए आता है, और वैंडरवाल कांस्टेंट बी जो है वॉल्यूम करेक्शन टर्म है, और ये भी एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल नहीं होता है, वैंडरवाल कांस्टेंट बी जो है ये 4 टाइम्स होता है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, 4 × 4/3 πr³, मतलब एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल का 4 टाइम बी का वैल्यू होता है। तो ये तो पहला बात, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो ये तो फॉल्स ही है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, ए मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस इज कूल्ड अप टू लिक्विड हीलियम टेम्परेचर टू फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, तो आइडियल गैसेस का मिक्सचर है, मतलब एक कंटेनर में दो तीन गैस है, ए गैस है, बी गैस है, सी गैस है, लेकिन तीनों आइडियल गैसेस है। अब इसको बोल रहा है कि इसको हम लोग कूल कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं जहां पे कि हीलियम जो है लिक्विड बन जाता है, लिक्विड हीलियम टेम्परेचर के इतना, मतलब 4.22 केल्विन पे हीलियम जो है लिक्विड स्टेट में रहता है, और यहां तक आइडियल गैस के मिक्सचर को कूल करते हैं, तो क्या ये भी आइडियल सोल्यूशन बन जाएगा, मतलब ये लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, ये जो आइडियल गैस का मिक्सचर है कूल करने के बाद ये गैसेस से लिक्विड में चला जाएगा। नहीं, आइडियल गैस को आप कितना भी कूल कर दीजिए, कितना भी ठंडा कर दीजिए, ये कभी भी लिक्विड स्टेट में जा ही नहीं सकता है, लिक्विड सॉल्यूशन हमेशा रियल गैसेस का बनेगा, क्योंकि रियल गैसेस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, इसलिए गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन आइडियल गैस के मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है, तो ये कभी भी आपस में अट्रैक्ट होगा ही नहीं, और जब आपस में अट्रैक्ट होके पास नहीं आएगा तब तक ये गैस से लिक्विड में नहीं जा सकता है। तो आइडियल गैस तो कभी भी लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगा, रियल गैस को आप ठंडा करके लिक्विड स्टेट में ला सकते हैं, मतलब आइडियल सोल्यूशन बना सकते हैं, लेकिन आइडियल गैस से आइडियल सोल्यूशन बनाना पॉसिबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो यहाँ पे सेक्शन ए एंड बी कंप्लीट हो गया, अगले लेक्चर में सेक्शन सी सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।